नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के बुढ़ाम थाना क्षेत्र के पगता में 10 जून को हुई राजा राम सोरेन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल एक महिला के साथ कुल 9 लोग शामिल थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने 4 मोबाइल, 1 बाइक और अन्य चीजें बरामद की है। हत्या का कारण बताया जाता है कि मृतक राजा राम सोरेन की हत्या में शामिल महिला से संपर्क था और महिला के साथ मोबाइल और पैसे की लेन देन थी, जिसे दोनों में झगड़ा हुआ और इसी क्रम में महिला ने राजा राम सोरेन पर हाथ उठाया और वहां मौजूद लोगों ने महिला के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को जंगल में फेंक दिया, जिससे पुलिसिया अनुसंधान में कुल 9 लोग को पकड़ा गया है। वही पुलिस इस मामले में और कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 10 जून को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था हम लोगों को बुढ़ाम थाना अंतर्गत में, जिसमें कि प्रथम दृष्टया ऐसा लोगों का कहना था कि शायद ये जो है यूडी कांड का मामला है, परंतु थाना प्रभारी ने और मतलब इसमें तत्परता दिखाई, उन्होंने देखा कि शरीर में कहीं कहीं चोट के निशान थे, तो उसके लिए हम लोगों ने उसमें कांड दर्ज किया और उसको यूडी नहीं किया। उसके बाद जब जाँच कर अनुसंधान के क्रम में एक टीम बनाई गई और उसमें फिर ये पता लगा कि ये जो व्यक्ति था इसकी मृत्यु जो है वो प्राकृतिक या नेचुरल नहीं थी। इस व्यक्ति को मारपीट किया गया था और उसका क्रम जो उसका मारपीट का कारण था वो ये था कि उसके पास एक मोबाइल था, जो कि उसने इसमें एक लेडी है जिसके पास से वो मोबाइल बरामद भी हुआ है, शेफाली मांडी या मुंडा क्या नाम है, मांडी नाम है उसका लड़की का, तो उससे उसने मोबाइल लिया था और कुछ और भी पैसे के लेन देन का मामला था। तो उसी क्रम में वो लड़के का उससे मिलना जुलना रहता था और वो लड़की ने जब अपना फ़ोन मांगने की प्रयास किया तो उस लड़की ने शायद रजिस्टर दिखाया और उसके उपरांत उन लोगों में कहासुनी हुई और फिर जब वो लड़का उसके आसपास में था तो उस लड़की ने मारा उसको थोड़ा और उसके बाद अगल बगल के ग्रामीणों ने भी मिलकर उस लड़के को मारा, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो इसी क्रम में घटना का उद्भेदन हुआ और पता लगा कि ये सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इन सभी लोगों को हम लोगों ने न्यायिक अवरीक्षा में भेज रहे हैं। इसमें 8 लोग हैं, 7 लड़के हैं और 1 महिला, टोटल 9 लोग, 8 पुरुष 1 महिला। मॉब लिंचिंग का मामला बनता है। मॉब लिंचिंग का एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे कि मॉब लिंचिंग मतलब थोड़ा सा अलग एक चीज हो गया। जब आपको एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा कोई कारण से मोटिवेट होकर कर रहे हैं तब उसको हम मॉब लिंचिंग में कैटेगराइज करेंगे। मतलब ये ऐसा है कि मतलब अगल बगल के लोग थे, उनको लगा पता नहीं क्या है, मे भी कुछ कंफ्यूजन कुछ हो सकता है। इसमें अवैध संबंध का कोई बात सामने, अभी जांच होगा, मतलब अभी तो ये लोग पकड़ाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेडीज ही मारी, उसके बाद फिर हाँ इससे मारा गया वो, मतलब हाथ से और कुछ अपना उस तरह की चीज़ों से ही थोड़ा मतलब अद्धा पत्थर से उधर उधर से मारा गया है। ऐसा कोई इसी वजह से जो आप बोल रहे हैं जिस शब्द का हम प्रयोग करना नहीं चाह रहे हैं, उसी वजह से की मतलब एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे ऐसा नहीं था, मतलब वो अचानक से भावावेश में आ गए। जबकि इसमें जो मोबाइल फोन है जिसके कारण ये घटना घटी और फिर ये मोबाइल जो लोगों ने आपस में यूज किए वो सब के लिए वही सारी चीजें हैं। मोबाइल है किसका, जिसके लिए उसी लेडी का शेफाली, वो मोबाइल इसके पास था, मोबाइल इसके पास था, वो लेडी इससे मोबाइल बार बार मांग रही थी, ये तो एग्जैक्टली अभी पता नहीं चल पाया। श्रीराम सैनिटरी एंड बोरवेल 12 वर्षों से एक वेल एस्टैब्लिश्ड रिटेल एंड होलसेल स्टोर है, जो सैनिटरी और बाथरूम प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करने में एक्सपर्ट है। जमशेदपुर के मानगो पाडी रोड केला बागान शाची ग्रीन के समीप स्थित ये 12 वर्षों से क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रिलायबल सर्विस के साथ ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।